हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों अपन ने लेक्चर नंबर 4 में मैट्रिक्स के संक्रियाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो जो लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 इसको बच्चों मैंने मिला के एक भाग बनाया है ना बच्चों। तो लेक्चर नंबर 4 को अपन बोलेंगे पहला पार्ट किसका, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का, है ना, यानी अवयवों की संक्रिया का। और लेक्चर नंबर 5 है वो क्यों, कौन सा पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो देखो लेक्चर नंबर 5 में आज अपन बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 और आज अपन बात करेंगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों की संक्रिया में आज अपन बात करेंगे कौन सी, फोर्थ। और फोर्थ कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना पार्ट 2। ठीक है, आज वीडियो लेक्चर ना बच्चों ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 में है। तो जिन प्यारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 4 देखो। और बच्चों आज अपन पार्ट 2 करेंगे और उसके साथ आपकी 3.1 3.2 भी फिनिश करेंगे, क्योंकि ये जो अपने जो वीडियो लेक्चर है ये क्या ही प्लेन के बच्चे भी देख रहे हैं, विदाउट फाउंडेशन वाले बच्चे, तो उनके लिए अपन बुक भी अपन उसको कराएंगे ना बच्चों। वैसे बच्चों अब तक जो लेक्चर नंबर 4 तक सफिशियंट है 3.1 3.2 लगाने के लिए ना, लेकिन एक बार मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगी तो 3.2 और भी आसानी से लग जाएंगे ना बच्चों। चलो तो पार्ट 2 में फोर्थ जो संक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन संक्रिया, अवयवों का गुणन संक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप बोर्ड पे आओ फेस दिखाओ। देखो बच्चों वो पेपर पे वीडियो बनाने का केवल एक ही वो था कि आपके वॉइस जो होती है ना बच्चों, इसमें अब वॉइस क्लियर नहीं आ पाई है ना बच्चों। तो अपन कोशिश करेंगे कि ये वाली जो मैं आज बोल रहा हूँ वो वॉइस आपको अच्छे से आए ना बच्चों, वॉल्यूम तेज आए ना बच्चों। तो इसलिए चलो कोई नहीं, आज अपन ये तो अवयवों का गुणन संक्रिया अपन बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो अवयव है, ठीक है, अवयव तो अपने को दो अवयव ले लो आप। तो अवयव ए ले लिया मैंने और इसकी कोडिंग भी लिख दो आप, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये इसकी कोडिंग हो गई। ऐसे मेरे बच्चों आप अवयव बी ले लो। देखो अवयव को कैपिटल लेटर, अवयव को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, अपने पहले ही बता दिया ये चीज था ना बच्चों। बी को आप लिख लो क्या, बी आई जे पी क्रॉस क्यू, इसकी कोडिंग हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये दो अवयव अपने ले लिए ए और बी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का गुणन लगाना है, यानी ये दोनों अवयवों पे गुणन संक्रिया लगानी है ना बच्चों। तो गुणन संक्रिया लगाने के लिए तो मेरा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है ए तथा बी पर गुणन संक्रिया लगाना, ए तथा बी पर गुणन संक्रिया लगाना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा उद्देश्य है ना। तो ए तथा बी पर गुणन संक्रिया लगाना। तो जब अपना उद्देश्य जब अपन करते हैं तो उसके लिए पहले अपन क्या चेक करना पड़ता है, अनुकूलनीय परिस्थिति, यानी अनुकूलनीय कंडीशन, अनुकूलनीय स्थिति। तो पहले बच्चों अपन को अनुकूलनीय स्थिति चेक करनी
पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अनुकूलनीय स्थिति में देखो क्या अनुकूलनीय स्थिति है। यदि मुझे देखो ए तथा बी पर गुणन संख्या लगाना ना, अब ये नहीं लगाना कि ए को बी से गुणा करना है या बी को ए से गुणा करना है ना, तो ये नहीं बोला। अपना उद्देश्य है ए तथा बी पर गुणन संख्या लगाना। तो कई बच्चे बोलेंगे कि हम तो ए बी करेंगे, अब जब गुणा यहां नहीं लगाना, बस केवल ए बी ऐसे लिखना, ये ए बी ज्यादा स्पेस ही मत देना, आप ए बी ऐसे लिखो बस ए बी। ये हो गया, ये ए बी क्या है, ये कि ये दोनों ए और बी पर क्या लगा दिया अपने, गुणन संख्या लगा दिया ना। ठीक है बच्चों, और ए अपन ने लगाया ऐसे बी ए, तो ये भी क्या हो गई, गुणन संख्या क्या हो गई, यानी बी पहले, अब बी पहले आ रहा है ए बाद में आ रहा है। अब इनकी अनुकूल स्थिति यानी मैं ए बी कब कर सकता हूं, यानी ये मैं कब कर सकता हूं, ये कब कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ए की ऑर्डरिंग। तो ए क्या, ऑर्डर, ए का ऑर्डर बोल कितना है, एम क्रॉस एन क्या है, ए का ऑर्डर। बी, बी का ऑर्डर बोल क्या है, बी का ऑर्डर है मेरे बच्चों पी क्रॉस क्यू। ठीक है बच्चों, और मैं ए बी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ए बी, ए बी निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए ये जो एन और ये पी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना बच्चों, एन और पी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब जब एन और पी बराबर होंगे तो ए बी क्या जाएगा, ए बी अपन कर सकते हैं, ए बी अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां एन क्या है, एन है ए की स्तंभों की संख्या, और बी क्या है, मतलब पी क्या है, पी है बी के पंक्तियों की संख्या। ठीक है बच्चों, और फिर जब अपने ए बी कर लिया, यदि ये दोनों बराबर हो गए, एन बराबर क्या हो गए, पी हो गया, एन बराबर पी हो गया, तो अपन ए बी कर सकते हैं, और ए बी करने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है, यानी ए बी, बच्चों मैं इसको बोलूंगा ए बी को क्या बोलूंगा, एक नया आव्यूह। ए बी क्या है, ए बी एक नया आव्यूह है जो किससे मिलकर बना है, वो ए और बी के गुणन संक्रिया करने पर बना है। तो फिर इसका ऑर्डर भी होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा ए का आगे वाले की पंक्ति और पीछे वाले का स्तंभ, एम क्रॉस क्यू। समझ आया बच्चों, ये कब होगा, जब अपन ये ए बी कब कर सकते हैं, जब एन बराबर पी हो, जब एन बराबर पी होगा तो ए बी कर देंगे, ए बी कर देंगे तो उस ए बी एक नया आव्यूह कहलाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस क्यू, एम आगे वाले ए की पंक्ति, क्यू बी के स्तंभ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं बीए। बीए कब कर सकता हूं बच्चों, देखो वो वाला बीए नहीं, अपन को तो बीटेक करने में मेरे प्यारे बच्चों, बीए से क्या लेना देना, या बीएससी करनी है, कई बच्चे को आईआईटी की जगह आईटीआई करनी है, अब कहीं कुछ नहीं बच्चों, पढ़ो आईआईटी करेंगे। बी पर बी का ऑर्डर बोल देता है, बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, और ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। अब बी ए कब कर सकता हूं मैं, तो बी ए कर सकता हूं जब क्यू बराबर क्या हो, एम, क्यू बराबर क्या हो मेरे लालो, क्यू बराबर एम हो, जब मेरे लालो यदि क्यू बराबर एम होगा तो अपन क्या कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं। और ये बी ए जो होता है वो एक नया आव्यूह होता है, बी ए एक क्या होता है, नया आव्यूह होता है, नई मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस N। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई ना, ए बी और बी ए अपन कब कर सकते हैं, यानी A तथा B पर गुणन संख्या लगानी हो तो उसकी अनुकूल स्थिति क्या होती है, आगे वाले के स्तंभों की संख्या और पीछे वाले आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर हो, तथा जब ये एक नया आव्यूह बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो, एम क्रॉस क्यू पी क्रॉस एन। तो ये हो गई इसकी अनुकूलनीय स्थिति, जिसे अपन बोलते हैं कंफर्टेबल, इसे अपन बोलते हैं मेरे लालो, मेरे बच्चों कंफर्टेबल कंडीशन। ठीक है इंग्लिश में, तो ये चीज समझ आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन। चलो अब देखो बच्चों आगे के कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, ये
अब अच्छा देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ए बी जो है ना, ए बी इसको मतलब ए बी क्या है, अनुकूलनीय स्थिति, ए और बी की कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, ये फुलफिल हो रही है। जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं ए बी कर सकता हूं। ए बी करने पे मुझे क्या मिलेगा, एक नया आव्यूह मिलेगा जिसे मैंने नाम दिया सी। और इस सी की जो कोडिंग मैं लिखूंगा वो लिखूंगा सी आई जे, है ना, सी आई जे। और बोलो ए बी का कोड क्या आया था, एम क्रॉस क्यू, तो ये लिखूंगा मैं एम क्रॉस क्यू। समझ में आया बच्चों? अच्छा ऐसे ही मान लो मुझे बी ए करना हो, क्या करना हो, बी ए। अब बी ए बी क्या होगा, एक नया आव्यूह होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे बी ए बी सी होगा, नहीं, मतलब ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। होंगे कहाँ, होंगे नहीं, होंगे कहाँ नहीं होंगे, वही आपका फाउंडेशन बन जाएगा बच्चों। समझ आया? वही बेस हो जाएगा, तो वो चीज भी सीखेंगे। तो अभी तो अपन बी ए को आल्फा के बोलेंगे बी, ये एक नया आव्यूह है। और इसका बोल क्या लिखेंगे, इसकी कोडिंग लिखेंगे तो डी आई जे स्मॉल से, और इसका ऑर्डर बोलो कितना है, पी क्रॉस एन, पी क्रॉस एन। और इसमें मेरे बच्चों एन बराबर क्या था, एन बराबर पी था, और इसमें क्या था मैंने बोला लो, क्यू बराबर एन, तब जाके अपन कर पाए। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे लिखना है क्या सी आई जे क्या होता है, सी आई जे अपन कैसे प्राप्त करेंगे ना बच्चों। तो देखो सी आई जे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखना बच्चों, अब अपना उद्देश्य क्या है, सी आई जे को कैसे लिखेंगे, सी आई जे को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सी आई जे को अपन कैसे लिखेंगे वो अपन देखेंगे ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि पहले वाले आव्यूह की गुणन संक्रिया में पहले वाले आव्यूह की पंक्ति तथा दूसरे वाले आव्यूह, दूसरा मतलब जो दूसरी तरफ आता ना, अगर दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से गुणा करके समेशन करके प्राप्त करते हैं। अब देखो जो ये वाले मैंने आपके समझ में नहीं आएंगे लास्ट में ना, ये कि पहले वाले आप देखो गुणन संक्रिया, जैसे ये गुणन संक्रिया लगाई ना आपने, इस गुणन संक्रिया में पहले वाला आव्यूह कितना है, एक, तो पहले वाले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ, दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ। देखो यदि मुझे ए बी करना है तो ए की पंक्ति लूंगा, बी का स्तंभ लूंगा, और यदि मुझे बी ए करना हो तो बी की पंक्ति लूंगा और ए का स्तंभ लूंगा। गुणा करके समेशन करेंगे बच्चों, जब गुणा तो करेंगे ना अपन, तो इस लाइन को अपन ऐसे समझेंगे, गुणा करके समेशन करना उसको अपन ऐसे बोलेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं उदाहरण के लिए, और फिर उसको अपन इंटरैक्ट कर देंगे ना, लिंक कर देंगे। बच्चों मैंने ए को यहां पर लिया, ए मैंने लिया A11 A12, एड्रेस ले रहा हूं बच्चों बता दी ना, A13 A21 एड्रेस ये है इसका, A22 इसका, A23 और इसकी कोडिंग बोलो, ये अवयव नहीं है एड्रेस है ना बच्चों, तो इसका ऑर्डर बोलो कितने हैं, 2/3 का क्या है अवयव, यानी है ना A। ऐसे B ले लो, B क्या ले लिया मैंने, B11 B12 B21 B22 B31 B32, और इसके बोलो बच्चों ऑर्डर बोलो इसका, बच्चों इसका ऑर्डर आ गया 3 तो पंक्ति है, 2 क्या है इसमें स्तंभ। ठीक है बच्चों,
ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया ना। अब बच्चों देखो यहां मुझे करना है ए बी करूं कि बी ए करूं, ए बी करना है कि बी ए करना है। तो ए बी करना है तो पहले ऑर्डर चेक करो, ए बी का ऑर्डर कितना है 2 × 3, बी ए का और बी का ऑर्डर कितना है 3 × 2, तो ये 3 3, इसका मतलब ए बी क्या है वैलिड है, ए बी कर सकते हैं। अच्छा बी ए देखो, बी ए कर सकता हूँ क्या, बी का ऑर्डर बोलो कितना है 3 × 2, ए का ऑर्डर बोलो 2 × 3, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ बी ए भी कर सकता हूँ। तो बच्चों समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, है ना बच्चों, कि ए बी भी कर सकते हैं और बी ए भी कर सकते हैं, ऑर्डर अपन ने मैच कर लिया, ठीक है मेरे बच्चों, ये समझ में ना। चलो अब देखो, अब अपन बात करेंगे ए बी की ना, तो डस्टर लेके इसको मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, देखो अपन करना है ए बी ना, पहले ए बी कर लेते हैं। ए बी करने के लिए देखो इसका ऑर्डर डिसाइड करो, ऑर्डर कितना है इस ए बी का, ऑर्डर कितना है देखो, ए बी का ऑर्डर कितना है 2 2, ए बी का ऑर्डर है 2 × 2, ए बी का ऑर्डर कितना है 2 × 2, ठीक है बच्चों। अब इस 2 × 2 में देखो क्या हुआ, यहां पे अब मतलब 2 तो पंक्ति होंगी और 2 ही क्या होंगे स्तंभ, बस बच्चों 2 ही पंक्ति और 2 ही क्या होंगे स्तंभ। यदि मैं इनके एड्रेस की बात करूं तो यहाँ पे अपने ए बी को क्या बोलो सी, तो ये आ जाएगा C11, ये रहेगा C12, ये रहेगा C21 और ये रहेगा C22, ठीक है बच्चों। अब मेरे को बच्चों मुझे C11 प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है मुझे C11, तो CIJ को कैसे लिखेंगे, तो पहले वाले आलू की पंक्ति, तो पहले वाले आलू की पंक्ति, तो पहले वाला आलू क्या है ए, ए बी के लिए ए, इसकी पंक्ति कितनी है A11, A12, A13, ये पहली पंक्ति हो गई। तो पहले वाले आलू की पंक्ति तथा दूसरे वाले आलू का स्तंभ को गुणा करके समेशन करेंगे, को गुणा करके, अब जब अपन गुणा करेंगे ना तो पंक्ति का स्तंभ से जब अपन गुणा करते हैं तो एक अवयव का पंक्ति के एक अवयव का स्तंभ के एक अवयव से सीक्वेंसली, है ना बच्चों, यानी अनुक्रम सीक्वेंस के साथ गुणा करके क्या करेंगे उसका समेशन करेंगे, क्या करेंगे समेशन करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं तो देखो बच्चों C11 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति पहले वाले आलू की पंक्ति और 1 का मतलब क्या है दूसरे वाले आलू का स्तंभ, पहला स्तंभ, समझ आया बच्चों, ये 1 1 का मतलब क्या है पहले वाले आलू की पंक्ति और ये 1 का मतलब क्या है दूसरे वाले आलू का स्तंभ। तो पहले वाले आलू की पंक्ति में अवयव कौन से A11, A12, A13 और दूसरे वाले के स्तंभ में अवयव कितने हैं B11, B21, B31, तब गुणा करेंगे A11 का B11 के साथ, तो कितना जाएगा A11, B11, ये आएगा तो ना, ठीक है। फिर समेशन करेंगे प्लस, अभी पूरी पंक्ति नहीं हुई, पहले पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ के अवयव को खत्म करो, सबको बराबर से अधिकार दो, तो इसका अधिकार इसको दे दिया। अब A12 का B21 के साथ, A12 प्रोडक्ट B21, है ना, फिर प्लस, अब बोलो A13 A13 × B31, तो ये हो गया अपने पास C11, है ना बच्चों। ऐसे मुझे क्या करना है C12 लिखूंगा, तो C12 में देखो 1 क्या है पहले वाले आलू की पहली पंक्ति और 2 क्या है दूसरे वाले आलू का दूसरा स्तंभ, यानी अब इसी पंक्ति को मुझे गुणा करना है किसके साथ, इसके साथ B12, B22, B32 के साथ, यानी इस पूरी पंक्ति को गुणा करना है अब B के दूसरे स्तंभ के साथ। तो करेंगे देखो थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं बच्चों, करो बच्चों देखो A11 का गुणा करेंगे B12 के साथ, गुणा करके फिर समेशन में करेंगे, A12 का गुणा करेंगे B22 के साथ, फिर प्लस
A13 का गुणा करेंगे B32 के साथ, है ना बच्चों? ये अपने गुणा करके, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पे आप क्या हुए, यहां पे आप हुए C21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो बच्चों अब आप बताओ, बोलो क्या करोगे? देखो इस टू का मतलब क्या है, बोलो बोलो बोलो, इस टू का मतलब क्या है? इस टू का मतलब है ए की पंक्ति दूसरी वाली, और इस वन का मतलब क्या है? दूसरे वाले की पहला स्तंभ। यानी अब A22, A21, A22, A23 का गुणा करेंगे इसके साथ दूसरे वाले आवयव के पहले वाले स्तंभ के साथ। तो गुणा करो फटाफट से, देखो क्या जाएगा बच्चों अपने पास, A21 B11 plus A22 B21 plus A23 B31। ऐसे बच्चों बोलो ये कितना जाएगा, A21 B12 plus A22 B22। बच्चों देखो ये तो अभी अपनी शुरुआत है, इसलिए अपन इतना स्लो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। तो कई जो बच्चे हैं फाउंडेशन के, तो वो बोलेंगे अरे कुछ इतना स्लो, अरे बेटा ये तो कुछ वो बच्चे बताएंगे जो मुझसे पढ़ चुके हैं ना कि कितना स्लो पढ़ाते सर ना। तो बच्चों देखो ये भी आ गया ना। अब देखो मुझे बच्चे इसको देखो इतनी बड़ी रामायण ना लिख के मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लेना है। तो ए बी को मैंने दिया सी, सी को मैंने बोला सी आई जे, और सी आई जे को मैंने ऑर्डर क्या लिखा था बच्चों, अपने ऑर्डर इसका लिखा था कितना, ऑर्डर कितना आएगा ए बी का 2/2 का, ऑर्डर कितना है इसका 2/2 का। अब ये जो सी आई जे है ना, इस सी आई जे को अपन कैसे फिल करते हैं वो लेना है। तो बच्चों देखो सी आई जे को अपन को फिल करना है, कोड बनाना है इसका भी। तो कोड बनाते हैं इसकी सहायता से, देखो इसकी सहायता से जब अपन कोड बनाएंगे तो पहले वाले को देखो, पहले वाले का ये क्या था C11, पहले वाले का ये क्या था C11, यही था ना बच्चों, ठीक है। ये दूसरे वाले का ये कोड किसका था C12 का, ये किसका कोड था C21 का, और ये किसका कोड था C22 का, ठीक है बच्चों। चलो अब C11 के एड्रेस पे अवयव ये आया, तो इसको अपन देखो बच्चों, देखते हैं क्या है। ओ इसका ये 11 ये बराबर, ओ इसका ये भी बराबर 2, एक जोड़ने पे, जोड़ने के बाद दोनों 2 2, फिर जोड़ने के बाद 3 3, इसका मतलब एक में अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे के, और बी में आगे क्या लगाएंगे के, ठीक है, और क्या लगाएंगे जोड़ेंगे के की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 1 2 3 और 3 तक जोड़ देंगे, कहां तक जोड़ेंगे 3 तक, समझ में आया बच्चों ये चीज है ना। अच्छा 3 तक जोड़ेंगे, चलो 1 1। अब इसका मतलब फिर आगे क्या है, यहां पे है 1 1 1, यानी आई की वैल्यू 1, तो यहां पे रखेंगे अपन आई, यहां क्या रखेंगे आई, और यहां क्या है बच्चों 1 1 1, तो यहां पे भी क्या रखेंगे जे। अब बच्चों देखो ये मुझे चाहिए C11, ये उसका कोड हो गया बच्चों, ये इसका हो गया कोड। अब देखो इसका कोड बनने के लिए देखो कैसे, मुझे C11 चाहिए, तो C11 के लिए देखो आई की वैल्यू 1 फिक्स हो गई और जे की वैल्यू भी क्या फिक्स हो गई 1। तो अब बोलो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू 1 से लेके 3 A1 के BK1। अब इसको जब अपन ओपन करेंगे तो देखो A1 के की वैल्यू पहले बन रखेंगे के की वैल्यू 1 1, फिर समेशन लेंगे प्लस, फिर के की वैल्यू 2 लेंगे तो A12 B21 प्लस, अब के की वैल्यू 3 लो, तो जब भी आप यहां से वैल्यू उठाते हो ना तो एक हर एक नई वैल्यू के बाद प्लस लगा के लेना पड़ता है बच्चों, ये चीज तो समझ में आया ना आपको, ये भी चीज नहीं आती ना बच्चों। तो कांच के आगे, कांच के सामने खड़े हो कैसे बोलना कि मैं ही ऐसा क्यों निकला, है ना बच्चों, ये चीज भी आपको नहीं आती हो क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो, और ये चीज आपको नहीं आ रही हो कि अपन के की वैल्यू कैसे अपन रख रहे हैं। तो बच्चों हर एक के की नई वैल्यू के बाद अपन को लगाना पड़ेगा प्लस, इसका मतलब ये लाइन होती है ना बच्चों, टर्म्स खोलनी पड़ती है। फिर यहाँ पे के की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो 1 तो फिक्स है 3,
और बी 3 1 बन गए। अब देखो इससे अपन जैसे मान लो सी टू टू निकालना है, क्या निकालना है सी टू टू, तो सी टू टू यानी आई के लो टू जे के लो टू कितने भाई 2। अब सी टू टू की लैंग्वेज क्या थी, तो दो फिक्स कर दो के बी के दो फिक्स कर दो और के लो कहां से लेंगे कहां तक 3 तक। अब देखो 1 1 तो ए टू वन बी वन टू ए टू वन बी वन टू फिर प्लस ए सो तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों ये कोडिंग समझ में आई ठीक है बच्चों। कैसे अपन सी आई जे बराबर ये लिखेंगे ना तो ये चीज समझ आना चाहिए, कई इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं डायरेक्ट याद नहीं ये कैसे बना किस हिसाब से ठीक है बच्चों। तो अपन ने गुणा करना सीखा, दो आवयों का गुणा कब करेंगे पहले वो सीखा, यदि कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसमें कैसे अपन करेंगे, पहले वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ लेके गुणा करेंगे। अच्छा बच्चों ये तो थी बात सारणी के केस में, अब मान लो मुझे दो सारणिकों का क्या करना है गुणन करना है। तो बच्चों देखो मैंने आपको बोला कि किसी आवयु ए के संगत, किसी आवयु ए के संगत सारणिक का मान यदि मुझे निकालना है, किसका मान निकालना है सारणिक का मान, सारणिक का मान तो वो क्या कहलाएगा, तो किसी आवयु के संगत उसके सारणिक का मान निकालना है तो वो कहलाएगी ए की सारणिक, यानी उस आवयु की सारणिक कहलाएगी, क्या कहलाएगी उस आवयु की सारणिक। और मैंने आपको ये बोला कि यदि मुझे किसी आवयु की सारणिक चाहिए ना तो वो आवयु क्या होना चाहिए वर्ग आवयु। अब क्या है बच्चों समझ में आया मुझे क्या है, यानी मैं आपसे कोई बोले कि मुझे किसी आवयु की सारणिक बताओ तो फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा तुझे आवयु की सारणिक चाहिए इसका मतलब वो आवयु वर्ग आवयु है, यानी हमेशा वर्ग आवयु की ही सारणिक निकलती है, ये चीज समझ में आना चाहिए ठीक है बच्चों। ओके अब मुझे क्या करना है दो सारणिक का क्या करना है गुणन करना है, गुणन संक्रिय लगाना है सारणिक के ऊपर। तो जब मैं सारणिक के ऊपर गुणन संक्रिय लगाऊंगा तो बच्चों फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी का मतलब ऐसे नहीं अड़ोसी पड़ोसी। देखो बच्चों यदि मुझे दो सारणिक है सारणिक ए और सारणिक बी, इनका गुणन करना है ठीक है बच्चों। जब इनका गुणन करूंगा तो ये जरूरी नहीं कि पहले वाले का पंक्ति लू और दूसरे वाले का स्तंभ लू, ये तो केवल आवयु के लिए है, इसमें तो मैं चाहे पंक्ति से गुणा कर लू चाहे स्तंभ से गुणा कर लू, मतलब देखो जैसे मैं लिख देता हूँ ना 2 1 1 2 और दूसरा मैंने लिया 3 1 4 5 ये ठीक है बच्चों। अब मुझे दो सारणिक का कहना है गुणन, तो अब ये जरूरी नहीं कि इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ से करो, मैं इसकी पंक्ति का इसकी पंक्ति से कर सकता हूँ। देखो बच्चों पहले तो अपन ये कहते हैं आवयु वाले फॉर्मेट से ना, तो इसका गुणन करेंगे, देखो दो सारणिक का गुणन करते हैं तो पहले वाले सारणिक की पंक्ति ले लो दूसरे वाले सारणिक का स्तंभ ले लो ठीक है, जो आवयु में अभी तक अपन ने करा है। तो देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, फिर 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 प्लस लगा के, फिर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 प्लस 1 का गुणा 5 के साथ 5, ऐसे 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3 प्लस 4 बनेगा 8, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 प्लस 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, तो कितना आ गए 6 4 10 5 2 7 8 3 11 10 11 तो ये आ गया बच्चों ठीक है। अब देखो बच्चों इसी का गुणा मैं ऐसे कर सकता हूँ कैसे, देखो सुनो तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद आप इसको अच्छे से लिखना है ना बच्चों, बहुत काम की चीज है मेरे लागू ये। तो देखो अब अपन ये सारणिक का अपन कर रहे हैं 2 बाई 2 का ये वो है, देखो बच्चों अब ये तो था कैसे मतलब सारणिक का गुणन कैसे किया अपन ने, पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ। अब मैं इसको बच्चों देखो 2 1 1 2 3 1 4 5 ना बच्चों, अब अपन पंक्ति का पहले अपन पंक्ति का स्तंभ से कर रहे थे सारणिक में, अब अपन पंक्ति का पंक्ति से कर लो, इस वाली पंक्ति का इस वाली पंक्ति से कर लो गुणा, तो बोलो 3 2 6 + 1 है ना बच्चों, अब इस पंक्ति का इस पंक्ति से करो तो कितना जाएगा ये सॉरी इस पंक्ति का इस पंक्ति से करो, पहले वाली पंक्ति का पहले वाली पंक्ति से दूसरे वाली पंक्ति का पहले वाली पंक्ति से,
तीन प्लस दो पांच, ऐसे अब पहले वाली पंक्ति का दूसरे वाली पंक्ति से करो तो कितना आएगा, चार दुनिया का आठ प्लस पांच, अब दूसरे वाली पंक्ति का दूसरे वाली पंक्ति से करो तो कितना आएगा, चार प्लस के दस। ठीक है बच्चों, देखो कोड देखो, C11 C12 है ना बच्चों, तो पंक्ति अपन यहां से सिलेक्ट करेंगे और दूसरे वाले ऐसे। ठीक है, ये कोडिंग होती है बच्चों, है ना। तो पंक्ति का पंक्ति से कर लो, पंक्ति का स्तंभ से कर लो, स्तंभ का पंक्ति से कर लो, स्तंभ स्तंभ कर लो। ठीक है बच्चों, तो दो सारणी के गुणा में कोई बाउंडेशन नहीं होती, कैसे आप गुणा कर सकते हो। अब इसका आंसर जो सेम आंसर है, छह वाले कितना है सात, तीन दो पांच, आठ पांच तेरह, चौदह सत्ताईस माइनस तो सत्तर टाइम होते ना, तिरपन जो पैंसठ, तो अट्ठानवे से पैंसठ गए तो तैतीस। समय है बच्चों, तो ये चीज अपन सारणी के केस में पढ़ रहे हैं, मतलब सारणी में ही पढ़ेंगे, तो ये चीज को अपन एक्सप्लेन कर देंगे। तो कई बार अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो यहाँ पे भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आओ सारणी की प्रॉपर्टी, सॉरी गुणन संक्रिया की अपन क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों। तो देखो गुणन संक्रिया के गुणधर्म पढ़ेंगे अपन बच्चों। ठीक है, तो पहला जो गुणधर्म पढ़ेंगे अपन वो यही पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव रूल है ना, कम्यूटेटिव रूल, क्रम में नियम। तो अब अपन ये चेक करेंगे क्या कि जो गुणन संक्रिया है, आवयों के बीच में जो गुणन संक्रिया है, क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है कि नहीं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बोला कि एबी का मान और बीए का मान, ठीक है, दोनों समान हो जाएंगे तो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, और दोनों समान नहीं होंगे तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब बच्चों देखो, मैं आपको बोलता हूं ए बी बराबर बी ए, चलो ये मत बोलो, आप ये देखो सी बराबर डी, मैंने आपको ये बोला कि कोई सी बराबर डी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा सी बराबर डी है, इसका मतलब सी और डी कैसे है समान आवयु, कैसे आवयु है समान आवयु, है ना बच्चों। आप ये बोलोगे ना, अभी अपने पढ़ा है ये चीज, तो सी बराबर डी लिखा तो सी और डी कैसे आवयु है समान आवयु। ठीक है, अब समान आवयु से आप समझते हो कि इनके क्रम भी क्या होंगे समान होंगे, क्रम भी क्या होंगे इनके समान होंगे, और सेकंड क्या कि इनके सुसंगत अवयव, इनके सुसंगत अवयव भी क्या होंगे समान होंगे, इनके सुसंगत अवयव भी क्या होंगे सुसंगत अवयव भी समान होंगे। तो ये दो कंडीशन है, ये क्या है कंडीशन बच्चों, जब भी कंडीशन होती है ना तो उसको अपन एंड लगा के लिखते हैं, दिस मतलब ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी होनी चाहिए, है ना बच्चों, तब जाके इसी बराबर भी होता है ये चीज। अब देखो, यदि मैं आपको बोल रहा हूं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और एक बार मैं आपसे बोल रहा हूं ए बी बराबर बी ए, अब ये में क्या है देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ए बी और बी ए में जो समानता है वो नहीं है, मतलब जैसे मैंने आपको लिखा ए, ए का मैंने ऑर्डर लिखा आपको दो इंटू तीन का, और बी का मैंने ऑर्डर लिखा क्या तीन इंटू दो का, ऐसे ऑर्डर लिखा। तो अब मैं आपको बोलूं बोलो ए बी का ऑर्डर कितना है, तो ए बी का ऑर्डर आप लिखोगे दो इंटू दो, ए बी का ऑर्डर क्या लिखोगे आप दो इंटू दो, और मैंने बोला बी ए का ऑर्डर बोलो बी ए का ऑर्डर कितना होगा, तो बी ए का ऑर्डर कितना जाएगा तो तीन इंटू तीन, तो बी ए का ऑर्डर कितना होगा तीन इंटू तीन। तो इस वाले केस में जब आवयु ए और आवयु बी का ऑर्डर इस प्रकार हो, तब
ए बी और बी ए क्या मैं बराबर लिख सकता हूँ क्या? नहीं बच्चों, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं और ऐसे बता सकता हूँ, दो आदमी समान होंगे तो उनके कर्म भी समान होने चाहिए, तो इस वाले केस में तो कर्म भी समान नहीं हो रहे। अच्छा अब देखो, मैं आपसे बोल दूं ए 2 × 2 और बी मैंने आपको बोल दिया 2 × 2। अब मैं आपसे बोलता हूँ बोलो ए बी का ऑर्डर बोलो, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा 2 × 2, और मैंने बोला बी ए का ऑर्डर बोलो कितना है 2 × 2। तो अब बोलो बच्चो कि इसमें देखो ए बी बराबर बी ए, ए बी चलो ये देखो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब इस वाले केस में जब दो आवयव बराबर नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, या तो उनके कर्म समान नहीं होंगे, या कर्म समान है तो उनके सुसंगत अवयव समान नहीं होंगे। देखो बच्चों इन दोनों कंडीशन में यदि एक भी कंडीशन खराब हो गई तो ये समान आवयव नहीं कहलाएंगे। ये चीज तो समझ में आई ना आपको, दो आवयव समान आवयव है तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों में से यदि एक भी कंडीशन मिस हो गई तो वो समान आवयव नहीं कहलाएंगे। इस वाले केस में, पहले वाले केस में ऑर्डर ही समान नहीं थे तो समान आवयव नहीं थे। अगर दूसरे वाले केस में ऑर्डर समान हो गए तो ऑर्डर समान होने के बाद भी यदि ये लिखा रहा है, ऐसा लिखा रहा है, तो आप समझ जाओगे क्या कि इनके सुसंगत अवयव क्या नहीं है, समान नहीं है। इनके सुसंगत अवयव क्या नहीं है, समान नहीं है। तो समझ में आया बच्चों? तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि अपन को अवयव ही नहीं बोल दिया जाए, इसलिए अपन बोलते हैं क्रूडली, अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता है अधिकांश केस में, कुछ ही केस में करेगा। कौन सा वाले केस में? जब ए बी बराबर बी ए कब होगा, जब ए तथा बी कम्यूट आवयु हो। बस इतना बोल के अपन खत्म कर देंगे। क्या कि ए बी बराबर बी होगा जब ए और बी क्या हो, कम्यूट आवयु हो, खत्म। कम्यूट आवयु, कम्यूट मैट्रिक्स। अब कम्यूट क्या होता है? अब कम्यूट का मतलब अपन क्या यही ऐसे निकालेंगे कि जब ये एक इस प्रकार के आवयव है कि जब इनको गुणा करेंगे तो, हाँ कम्यूट आवयव का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर। पहली चीज तो यदि आपने बोला कि दो आवयव कम्यूट आवयव है तो आप सीधी सी बात आपके एक भेजे में यह जाएगी कि दोनों आवयव स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों आवयव कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर समान है। तो बच्चों देखो ए बी बराबर बी होने के लिए ऑर्डर तो समान होने ही चाहिए, और ऑर्डर समान कब होंगे, जब उनके क्या हो, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो समान क्रम के। तो इसमें मैंने बोला कि ए तथा बी कम्यूट आवयव, तो आप समझ जाओगे क्या कि ए और बी वर्ग आवयव है और इनके क्रम कैसे, समान क्रम दोनों के, ठीक है। तथा अब एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखो कम्यूट आवयव बोलने के बोले ये ही काफी नहीं है। यदि किसने बोल दिया कि कम्यूट आवयव है और आप ये ही बोल के छोड़ दो तो ये सही नहीं है। कम्यूट आवयव ये तो होता ही होता है, साथ में इनका गुणन करने के बाद इनके सुसंगत अवयव भी क्या आते हैं, समान आते हैं ना, तो वो कम्यूट आवयव है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कर्मन्वय नियम का समझ में आया कि गुणन संक्रिया कर्मन्वय नियम का पालन नहीं करती है सामान्यतः, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें वो ए बी बराबर बी ए हो जाता है, लेकिन वो तभी ही पॉसिबल है जब ए तथा बी कम्यूट आवयु होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, तो कम्यूट नियम समझ आया है, इसके ऊपर भी अपन कई सारे क्वेश्चन करेंगे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ना। प्रॉपर्टी नंबर टू जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साचार्य नियम, साचार्य नियम। इसे अपन बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल ना, साचार्य नियम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो
साचा नियम में क्या होता है, मैंने आपको बोला था जब भी आप, अब ये साचा नियम किसकी चेक करना है, गुणन संक्रिया की। तो गुणन संक्रिया की मुझे साचा नियम चेक करना है कि क्या लगता है कि नहीं लगता। उसके लिए मुझे कितने आवयव लेने पड़ेंगे, तीन आवयव लेने पड़ेंगे। तीनों आवयव के देखो बच्चों, देखो मैं गुणा कर रहा हूं ना, तो तीनों के अनुपूर्ण स्थिति तो होनी ही चाहिए। गुणा करने के लिए आपको पहले अनुपूर्ण स्थिति चेक कर लेना है ना। तो मैं ये मान रहा हूं कि इनके अनुकूलन में है, इनका गुणा अनुकूल है। तो फिर जब अपन गुणा अनुकूल है तो साचा नियम क्या बोलता है, आप AB का गुणा करो और फिर उसका गुणा C के साथ करो, तो जो आवयव बनेगा, एक नया आवयव जो आएगा वो बराबर होगा, चाहे आप पहले BC से गुणा करो फिर उसको A से गुणा करो। तो ये होता है अपने पास क्या, साचा है नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी क्या होता है आपका, तो गुणन संक्रिया जो होती है वो साचा नियम का पालन करती है, क्योंकि उसमें ये आता है। अब आप वेरीफाई कर लेना, आप तीन एग्जांपल ले लेना और उसको ऐसे क्रॉस करके चेक कर लेना, दिस इज नंबर वन, इज इट ट्रू। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों अपन, अच्छा इसको ये तो गया साचा नियम, फिर उसके बाद थर्ड वो पढ़ेंगे अपन बंटन नियम। क्या पढ़ेंगे, बंटन नियम, इसे बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अब बंटन नियम भी किसके लिए पढ़ेंगे, कि क्या गुणन संक्रिया बंटन नियम को फॉलो करती है, गुणन संक्रिया बंटन नियम को फॉलो करती है। तो देखो बंटन नियम क्या होता है, बंटन नियम भी तीन में लगता है, तीन आवयवों में, लेकिन इसमें गुणा नहीं होता, इसमें जोड़ होता है किसी भी एक आवयव में। तो ए का गुणा बी प्लस सी, बंटन कैसे होगा, यदि मैं इन तीन आवयव में दो आवयव को जोड़ के उसके तीसरे से गुणा करता हूं, तो ए का गुणा बी प्लस सी से करो, गुणा संक्रिया ना, तो इसका जो आवयव आएगा वो आवयव बराबर होगा, चाहे आप ए बी प्लस ए सी से करो। ठीक है मेरे बच्चों, ए बी प्लस ए सी, तो आप इसका गुणा और इसका गुणा करके जोड़ोगे तो इससे जो आवयव मिलेगा वही आवयव सेम इससे होगा, इसको भी आप वेरीफाई करना। चलो बच्चों तो तीन हो गए, अब आओ चौथा। तो चौथा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणन तस्मक। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाइनरी में आपको कंफ्यूज करेगा, मैंने आपको पहले बोल दिया। अब गुणन तस्मक क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन है ना। तो देखो अपने पास एक आवयव है ए, अब मुझे क्या करना है मेरे बच्चों, मुझे इसको क्या करना है, गुणा करना है, किसके साथ करूं इसका, किसी आवयव ए का गुणा मैं किसके साथ करूं कि मेरे पास आंसर ए ही आ जाए, मेरे पास आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए। समझे बच्चों, तो तस्मक आवयव, गुणन तस्मक क्या होता है, तो किसी आवयव का, किसी भी आवयव का उसके संक्रिया। अब जैसे प्लस के लिए तो मैंने प्लस लिया था कि इस आवयव का मुझे क्या निकालना है, योज तस्मक, तो मैं इसको किसके साथ जोड़ू कि ए ही आ जाए, तो मैंने किसके साथ जोड़ा था, नल मैट्रिक्स के साथ। ऐसे ही आप संक्रिया में पढ़ोगे, दी अदर संक्रिया में किसी एलिमेंट ए का बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ करूं कि आंसर ए ही आ जाए, तो वो कहलाएगी उसकी क्या, तस्मक अवयव, एलिमेंट। किसी फंक्शन का किसके साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन करूं कि मेरे पास वही फंक्शन प्राप्त हो जाए, तो वो फंक्शन कहलाएगा उसका तस्मक अवयव। सर मैं बच्चों, तो ये तस्मक की चीज। अब बच्चों देखो मैं किसका तस्मक ले रहा हूं, गुणन का, तो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो अब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूं, किया जाए इसके साथ करेंगे इकाई आवयव के साथ। तो इकाई आवयव के साथ जब मैं ए आवयव को गुणा करूंगा तो ए ही आएगा। तो इसका मतलब आपसे बोले तो बताओ किसी आवयव का गुणन तस्मक क्या होता है, तो किसी भी आवयव का गुणन तस्मक उसका इकाई आवयव होगा। ठीक है बच्चों, खत्म हो गया। चलो अब बात करेंगे फिफ्थ बात करेंगे अपन गुणन प्रतिलोम की। इसकी बात करेंगे गुणन प्रतिलोम की, इसकी बात करेंगे गुणन प्रतिलोम की। ठीक है बच्चों, अब गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो देखो बच्चों सबसे पहले गुणन प्रतिलोम के लिए एक चीज आपको समझनी है, कोई आवयव ए है, ठीक है, मैंने आपको बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
वापिस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव, अव्युत्क्रमणीय आव, है ना बच्चों। देखो एज इस पे लगा है ना, उसमें नॉन में लगाना, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको अपन बोलेंगे क्या, व्युत्क्रमणीय आव। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, इसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव। और सुनो बच्चों, जो कोई भी आव्यूह है, कोई भी आव्यूह, कोई भी बल आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह, कोई भी कैसे आव्यूह, वर्ग आव्यूह, तो कोई भी वर्ग आव्यूह हो जो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसके टाइप्स है, वर्ग आव्यूह, बस मैं करता हूं। अब देखो मेरे बच्चों कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कोई भी वर्ग आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसका सारणी का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है बच्चों। तो कोई वर्ग आव्यूह है उसका सारणी लो, यदि जीरो आ गया तो इसका मतलब वो वर्ग आव्यूह कैसी वर्ग आव्यूह है, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी उसको उल्टा नहीं कर सकते, उसको क्या नहीं कर सकते, उल्टा। तो अपन देखो अपन पढ़ क्या रहे, गुणन प्रतिलोम, यानी किसी आव्यूह का उल्टा, इनवर्स। तो देखो मुझे कोई आव्यूह है तो किसी आव्यूह से इसका गुणा किसके साथ करूं कि तस्मक आ जाए, क्या आ जाए, तस्मक। अभी तस्मक का क्या, तस्मक क्या आया था, तस्मक आव्यूह आई थी अभी आई, तो तस्मक आव्यूह आना चाहिए, आई आना चाहिए, है ना बच्चों, समझ आया। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम मुझे किसी अवयव का प्रतिलोम निकालना है तो मैं उसको किस अवयव के साथ करूं संक्रिया, ऑपरेशन करूं कि मुझे तस्मक अवयव आ जाए, उस अवयव में क्या जाए, तस्मक अवयव, ठीक है। यानी इस ए का किसके साथ गुणा करूं, कौन सी अवयव के साथ गुणा करूं कि मेरे को क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। यानी फंडामेंटल, यानी डायरेक्टली आप ये समझो कि मुझे ए का इनवर्स निकालना है, ए का क्या निकालना है, इनवर्स। लेकिन यहां पे देखो व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय होता क्या है, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है इनवर्स, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, इनवर्स। तो इसका मतलब यदि मैं किसी कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, ठीक है, और उस वर्ग आव्यूह का अपन क्या कर रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो उसका सारणी का मान क्या जाएगा, जीरो, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का बोलेंगे जब उसका सारणी का मान क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो अपन क्या करेंगे कि जब कोई वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी, जब कोई आव्यूह कैसी आव्यूह होगी, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी, ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो जब कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी तभी उसका क्या है, इनवर्स संभव है, अदरवाइज उसका इनवर्स संभव नहीं है, बस पहली चीज। तो पहला नोट क्या हुआ, इंपोर्टेंट नोट है बच्चों, ये इंपोर्टेंट है ना, क्या, कि किसी वर्ग आव्यूह, आप बोलोगे कि गुरुजी वर्ग आव्यूह के अलावा कोई आव्यूह हो, तो नहीं, केवल वर्ग आव्यूह। तो किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम, प्रतिलोम केवल केवल तब ही संभव है, केवल तभी ही केवल तभी संभव है जब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, जब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ये चीज आपको नोट करनी है, किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम केवल तभी ही संभव है जब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है, जिसके सारणी का मान जीरो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और तो देखो प्रतिलोम क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह, तो कोई वर्ग आव्यूह मैंने ए ले लिया तो इसका प्रतिलोम क्या जाएगा, ए इनवर्स, बी का प्रतिलोम क्या जाएगा, बी इनवर्स,
तो अब मैं इस ए को किसके साथ करूंगा, ए इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना रहेगा, पहली चीज समझ आई बच्चों। तो मैंने क्या बोला, तो आप पहली चीज तो क्या मैं सभी आवयों का इनवर्स निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में भी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का ये क्या निकाल सकता हूँ, इनवर्स निकाल सकता हूँ। ये नोट आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है मेरे बच्चों। और एक चीज और सुनना बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज 3, 5, और 4 ये लिंक है, ठीक है बच्चों। तो एक भी लेक्चर मिस करना इसका मतलब आप इस कार्यक्रम में काफी पीछे हो जाओगे। इसलिए कार्यक्रम में बने रहने के लिए, मेरे साथ रेगुलर बने रहने के लिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। कुछ चीजें हो सकती है कि मेरी कुछ बातों पे आपको हाँ हो रहे हो, ठीक है, तो उसको करो बच्चों, आनंद लो आपको, ठीक है। समझ आया मेरे बच्चों? मैंने क्या बोला आपसे, क्या सभी आवयों का इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वो वाली मैट्रिक्स जिनका जो क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, खत्म करना। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। अब बच्चों इसकी कुछ हल्की सी बेसिक्स की बातें करके और क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो कुछ सम नोट्स नोट्स डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स। देखो सम इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बात करेंगे हम, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो पहला हम बात करेंगे प्री कैंसलेशन, प्री कैंसलेशन रूल। तो प्री कैंसलेशन रूल ये क्या है बच्चों? देखो प्री कैंसलेशन रूल कब लगेगा और पोस्ट कैंसलेशन रूल, प्री कैंसलेशन रूल और पोस्ट कैंसलेशन रूल, पोस्ट कैंसलेशन। तो देखो मेरे लालो, प्री और पोस्ट कैंसलेशन रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपसे किसी ने बोला कि स्टेटमेंट दिया, किसी ने बोला क्या बोला कि ए बी बराबर ए सी, ये आपको बोला ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है और ये बोल दिया कि इसका मतलब यह है कि ए बी बराबर ए सी, देखिए क्या बोला, इसका मतलब यह है कि बी बराबर सी, यदि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? किसी ने आपको बोला कि ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब बी बराबर सी, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो अपन बोलेंगे जी बिल्कुल ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या करेगा, अस्तित्व में रहेगा, अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा, ठीक है। यदि किसी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका मतलब उसका इनवर्स क्या होगा, संभव होगा। और किसी आव्यूह को और किसी आव्यूह को ए इनवर्स के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है मेरे लालो, प्रतिलोम तस्मक अव्यव आता है, क्या आता है, तस्मक अव्यव आता है, तस्मक आव्यूह आता है। और आव्यूह का तस्मक आव्यूह, किसी भी आव्यूह का तस्मक आव्यूह क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है, क्या होता है मेरे लालो, इकाई आव्यूह होता है, ठीक है। अब इसमें लगा कि क्या ये सही है क्या, तो ये वाला स्टेटमेंट इस वाली भाषा से और ये बना हुआ मैं बन जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत नहीं है। तो देखो बच्चों, अब देखो ए कहां पे आ रहा है, एक और ए आगे आ रहा है, जब आगे आता है तो अपन क्या लगाते हैं, प्री कैंसिलेशन रूल,
तो देखो ए बी बराबर ए सी जब आपको दिया है तो प्री कैंसिलेशन रूल और पोस्ट कैंसिलेशन रूल तभी लगेगा जब वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, ठीक है। अब देखो जिसका अपन गुणा करेंगे ए इनवर्स से प्री मतलब पहले, तो ए इनवर्स से पहले गुणा कर दिया दोनों साइड तो पहले ही गुणा होगा, ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई बी बराबर ए इनवर्स ए ये भी क्या जाएगा आई इंटू सी। किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह के साथ गुणा करोगे तो वो ही आव्यूह प्राप्त होगा, किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से प्राप्त गुणा करोगे तो वो ही आव्यूह प्राप्त होगा, तो बी बराबर सी हो गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ आई आपको, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करेंगे हम पोस्ट कैंसिलेशन रूल की, पोस्ट कैंसिलेशन रूल की बात करेंगे। तो देखो पोस्ट कैंसिलेशन रूल में क्या दिया आपको, आपको दिया है बी ए बराबर सी ए और बी बराबर सी यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब देखो जो आपके लिए बी ए बराबर सी ए, अब ए कहां पे दोनों साइड दोनों जगह पीछे की तरफ, तो अपन और ए कैसा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो ए इनवर्स है। अच्छा यही बात नहीं होती तो फिर खत्म कहां है, फिर तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते थे, है ना, फिर तो सही होता ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब अपन इसको गुणा करेंगे पोस्ट कैंसिलेशन रूल, तो पीछे ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो पीछे ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो ए इनवर्स पोस्ट पीछे लगाया मैंने। अब बोलो बी ये कितना गया आई सी, ये आई बी आई में गुणा करेंगे बी सी आई में गुणा करेंगे सी, तो ये सी होगा, ये हो गया पोस्ट कैंसिलेशन रूल, ठीक है बच्चों। लेकिन अब मान लो प्री और पोस्ट कैंसिलेशन रूल नहीं हो और आपको केवल ये बोला जाए बच्चों, ध्यान से सुन रहे बच्चों, आपको बोल दिया जाए ए बी बराबर सी ए, आपको ये बोल रहे ए बी बराबर सी ए और इसका मतलब ये है कि बी बराबर सी यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो क्या बच्चे बोलेंगे यस ये सही और ये गलत हो जाता है बच्चों। ये आता है आपके एडवांस सेशन का एडवांस टाइप का क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पे गलती कर जाते इसको सही बोल देते दिस कथन इज राइट हमारे सामने बोला है। और मेरे बच्चों आप ये देखो ए बी बराबर सी ए तो आप नहीं आए, अब आपने ये भी देख लिया कि ए इनवर्स है, लेकिन अब आप कौन सा नियम लगाओ, ए इनवर्स को यदि आपने प्री गुणन किया तो प्री ही लगेगा ऐसे। अब ए इनवर्स ए ये तो जाएगा आई टू बी बराबर, अब बच्चों देखो आप ये होता है बंटन वो साचर्य नियम है ना बच्चों, साचर्य नियम में इसका गुणा करो इसके साथ या इसका गुणा करो इसके साथ वो सही है। साचर्य नियम में ये नहीं होता कि ए बी सी का गुणा किया और इंटरचेंज कर दो, सी को यहाँ ले आओ और ए को यहाँ ले आओ तो बराबर, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, है ना। आप ऐसा मत करना कि इस ए को यहाँ ले आओ और तब आई कर दो, यहाँ लाना आना ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नियम नहीं लगेगा, समझ आया बच्चों, तो कैंसिलेशन नियम नहीं लगेगा। तो आर यू रेडी माय फ्रेंड बच्चों, ओके ठीक है समझ में आया, तो सम इम्पोर्टेंट नोट्स पैक या पहला क्वेश्चन आप मान सकते हो एडवांस टाइप का जो ये था, ठीक है बच्चों, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलो 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 सेकंड टाइप का चॉकलेट है मेरा, चलो थोड़ा सा चॉकलेट देखना, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड सम इंपोर्टेंट फॉर द सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड सेकंड वन बच्चों देखो अपन बोलेंगे कि ए बी दो आव्यूह और क्या हो जीरो शून्य, अरे दो आव्यूह का गुणन क्या हो शून्य के बराबर हो यानी नल आव्यूह, तब इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए शून्यव्यूह हो या बी शून्य आव्यूह हो, ये नहीं बोलना बच्चों, ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये चीज आप ध्यान से समझना, यदि दो आव्यूह का गुणनफल जीरो के बराबर हो है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ए बी शून्यव्यूह या बी शून्यव्यूह। अब सुनो बच्चों देखो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बोला था वो दो नियम मैंने आपको सिखाए हैं फंक्शन में, एक तो मैंने बोला f प्लस सी बराबर जीरो
और एक मैंने बोला है आपको f इंटू जी बराबर जीरो। तो क्या बच्चे बस यही से गलती कर लेते हैं, दो फंक्शनों का जोड़ जीरो है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन a बराबर जीरो एंड जी बराबर जीरो, ये होता है। यानी दो फंक्शनों का जोड़ मिलके जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही फंक्शन जीरो है। तो समझ गया है, दोनों ही फंक्शन जीरो है, दोनों में से यदि एक जीरो नहीं हुआ तो फिर वो जीरो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। ये जीरो है, ये जीरो नहीं हो तो जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा, तो दोनों ही जीरो होंगे तभी। अच्छा, दो फंक्शन का गुणा जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक जीरो, यूनियन दोनों में से कोई भी एक जीरो चलेगा। तो ये नियम लगता है अपने पास फंक्शन के केस में। ला लो सुनाए चीज, चलो आप बोलेंगे अच्छा ये लेक्चर लालिया देख रही होंगी तो लालिया सोच रहे होंगे कि गुरु जी आप लालो लालो को याद करते हो, लालियों को याद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं बच्चियों, आपको ठीक है बेटा बेटी हो, चलो आप देखो। तो ये चीज समझ आया अच्छे से, ठीक है? तो ये वाला नियम इसमें नहीं लगता आवयों में, कि आपने बोला तो गुरु जी फिर तो दो आवयों का शून्य, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कोई भी आवयव एक क्या होना चाहिए? जीरो। ये नहीं बोलेंगे अपन बिल्कुल, ठीक? फिर क्या बोलेंगे आप सुनो, ये नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? आओ आओ देखो क्या बोलेंगे, देखो सुनो। तो देखो अच्छा ये क्यों नहीं बोलेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल दे, क्यों नहीं बोलेंगे? ए बराबर मैंने लिया 1 0 0 0 0, क्या बोलो बच्चों, क्या ये सुनना है क्या? नहीं। ओके, क्या ये बराबर? हाँ। अच्छा बी मैंने ले लिया, ये मैंने लिया क्या 2 2, ये भी ठीक है बच्चों। अब मैंने गुणा किया ए बी, ये भी सुनने आ नहीं है ना, ठीक है? अब इनका गुणा करो 1 0 0 0 और इसका गुणा करो 0 0 0 1। आप देखो दो आवयों का गुणा करते हैं तो पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ है ना बच्चों, तो एक का गुणा 0 से 0 0 तो 0 हो गया, फिर एक का गुणा 0 से 0 0 0 तो 0 हो गया, 0 0 हो गया और 0 0 हो गया, ये तो क्या है 0 2 2। तो अब देखो तो दोनों ही 0 नहीं हुए, तो दोनों ही 0 नहीं होने के बाद भी इनका ए भी क्या हो गया 0 हो गया, ए भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ये ए और बी कहलाते हैं 0 भाजक आवयव, तो ये ए और बी क्या कहलाते हैं? 0 मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों? सॉरी सॉरी, 0 डिविजिबल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों? तो 0 भाजक आवयव कहलाते हैं, ए और बी क्या कहलाते हैं? 0 भाजक आवयव, ठीक है? अब 0 भाजक आवयव में क्या होता है, तो ये कहलाएंगे 0 भाजक, 0 भाजक, ठीक है? 0 भाजक क्या होता है कि वे आवयव जिनका गुणनफल, वे आवयव जिनका गुणनफल 0 हो जाए, जिनका गुणनफल 0 आवयव हो, ठीक है? वे आवयव जिनका गुणनफल 0 आवयव हो 0 भाजक कहलाते हैं ना। तो ए बी, तो ए बी ए और तथा सात नंबर सारणिक भी क्या होना चाहिए? 0 एंड इंटरसेक्शन बी। देखो बच्चों इसका सारणिक बोलो, सारणिक ऑफ ए बोलो कितना है? 0। सारणिक ऑफ बी बोलो कितना है? 0, ठीक है बच्चों? तो 0 भाजक क्या होते हैं? ऐसे आवयु जिनका गुणनफल 0 हो तथा सारणिक क्या हो? 0। तो सारणिक क्या हो उनके, सारणिक का मान क्या हो? 0, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो जब सारणिक अपन ने यूज में लिया है तो इसको सुन क्या ले सकते अपन वर्गमूल। बच्चों देखो आप मेरे लेक्चर से कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे चीज अपन, क्योंकि ये प्री के साथ साथ मतलब प्रेम के साथ साथ फाउंडेशन भी ले रहे हैं, या आप ये मान लो मैं बेसिक बना रहा हूँ, सीधी सी बात खत्म, ना मैं प्लेन पढ़ा रहा ना मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा,
ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। तो बेसिक चीज लो, मजे लो, आनंद लो, और हो वहां पर। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो अपन ने बोला वे वर्ण आयु जिनका वर्णफल शून्य आयु हो तथा उनका सारणी का मान भी क्या हो, जीरो। एन भी लगा है, मतलब दोनों ही जीरो होने चाहिए, एक से काम निकलेगा। तो मैंने बोला कि ए बी ये दो आयु है, ठीक है, और ये शून्य वाचक है। ये कैसे वाचक है? शून्य वाचक। तो अब आप क्या करोगे, तो इसका मतलब सारणी ऑफ ए जीरो एंड सारणी ऑफ बी जीरो और एंड ए भी बराबर। तो ये अब आ गई इनइक्वालिटी। अब मैं और एडवांस के ओलंपियाड्स के क्वेश्चन ले जाऊं इसमें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल सी बात, एक लाइन में दो कितना हो जाएगा। तो इनइक्वालिटीज जो अपन सॉल्व करते हैं वो इनइक्वालिटी ले जाएगी कि दो आयु शून्य वाचक है, इसका मतलब इसके सारणी का मान जीरो एंड इसके सारणी का मान जीरो एंड इन ए बी क्या हो, जीरो। अरे गुरु जी, अरे वाह, अरे ओ आ ई उ। अब बच्चों देखो, लेकिन दूसरा बात, तो पहला बात में आया इसका उदाहरण से ना, जो अब देखो मेरे बच्चों, इसी में दूसरा मान लो शून्य वाचक नहीं हो रहे तो रहना हो, जैसे ए बी बराबर जी आ गया हो और ए एंड बी में इनके सारणी का मान जीरो नहीं हो। अगर किसी आयु के सारणी का मान जीरो हो तो वो कैसे मैट्रिक्स कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी अव्युत्क्रमणीय आयु। ठीक है, तो ए बी बराबर ये हो और ए और बी के सारणी का मान जीरो नहीं हो, तब तब फिर अपन डेफिनेटली क्या बोलेंगे, तब एक आयु क्या होनी चाहिए, वन आयु शुड बी शून्य आयु। समझ रहे बच्चों, यदि मान लो दो आयु का गुणनफल जीरो हो, मतलब जीरो का मतलब शून्य आयु, यदि दो आयु का गुणनफल शून्य आयु हो, ठीक है ठीक है ठीक है ओके, तथा उनके सारणी का मान जीरो नहीं हो, तब उन दो आवयों में से एक आवयव का शून्य आवयव होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत कुछ मन है बच्चों, देखना मैं जब लिंक करेंगे, तो ये चीज समझ में आई बच्चों, तो अच्छे से इसको भी नोट डाउन कर लेना कि ए बी बराबर जीरो हो तथा नॉट ए का सारणी जीरो नहीं हो, बी का सारणी जीरो नहीं हो, तब इन दोनों में से एक आयु का शून्य आयु होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमने पढ़ ली है ना। अब थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या है, डायग्राम का। देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा हूं आपसे, आपको किसने बोला ए स्क्वायर ए क्यूब। तो जब भी किसी आयु के स्क्वायर की बात हो जाती है, क्यूब की बात रहती है, पॉलिनोमियल में चल जाता है वो, तो इसका मतलब वो आयु कैसी होनी चाहिए, बराबर खत्म होने। यदि आपसे ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ए फाइव ऐसे पूछे ना, तो आप समझ जाना कि ए यहाँ पे क्या है, वर्ग आयु है। विदाउट वर्ग आयु वी विल नॉट सॉल्व। यानी देखो ए स्क्वायर ले सकता हूँ ना मैं ए इंटू ए, तो ए इंटू ए का संभव है, दोनों ही क्या हो, समान आविर्भूत हो, दोनों के क्रम में क्या हो, समान उत्तर लगे। जैसे मान लो ए लिखा मैंने दो इंटू तीन और ए लिखा मैंने दो इंटू तीन, अब मैं बोलू ए ए क्या संभव है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दो इंटू तीन और दो इंटू तीन क्या मैच करेंगे, क्या मैच करेंगे, नहीं, तो नहीं होगा। केवल पॉलिनोमियल का बनेगा जब वो वर्ग आयु हो। अब ए वर्ग आयु मान लो दो इंटू दो इंटू, तब तो बनेगा, समझ आएगी चीज। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, डायगोनल के ऊपर बात करते हैं। जो मान लो आपसे बोला ए कोई क्या है, ए एक विकर्ण आयु है, ए एक विकर्ण आयु, कैसा आयु है मेरा लो, विकर्ण आयु, तो ए कैसा आयु है, विकर्ण। अब विकर्ण आयु कैसा आयु होता है, वर्ग आयु होता है, विकर्ण आयु कैसा आयु होता है, वर्ग आयु होता है। तो ए मैंने ले लिया ए जीरो जीरो बी, ठीक है, दो बाई दो का ही ले लो आप, और एक तीन बाई तीन का ले लो,
अब देखो मैंने लिया ए स्क्वायर, क्या मैं ए स्क्वायर ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ, जी बिल्कुल ले सकता हूँ। ए जीरो जीरो बी, इसको बना लेंगे ए जीरो जीरो बी। जब मेरे बच्चों मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास ये जाएगा ए स्क्वायर जीरो बी स्क्वायर, गुणा कर देगा जब ए ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा जब मैं ए क्यूब करूंगा तो ए क्यूब करूंगा तो क्यूब बन जाएगा। अच्छा मैं फोर करूंगा तो यह फोर बन जाएगा। इसका मतलब यदि इस बी का मुझे बी फिफ्टी निकालना है, इस बी का क्या निकालना है? बी फिफ्टी। और ये बी कैसा है? वर्ग बी का नाम जो है, तो आप आठ मिनट के बाद निकालोगे बी फिफ्टी जीरो जीरो जीरो, सॉरी ए फिफ्टी जीरो बी फिफ्टी, बी की पावर फिफ्टी जीरो 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 बी की पावर फिफ्टी, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आई। चलो अब अपन करते हैं तीन पॉइंट एक, तीन पॉइंट दो को फिनिश करते हैं, तीन पॉइंट एक तीन पॉइंट दो को फिनिश 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 करते हैं। और फिर मतलब देखो आपको सीट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन अभी सीट का तो मैं भी आपको नहीं कराऊंगा, तब तक मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब जो भी लेक्चर ये देख रहे हैं, जो बच्चे फाउंडेशन के इंटरेस्टेड है, तो वो कमेंट्स, एक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि थोड़ा बहुत आपके टीचर का खर्चा पानी निकल जाएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये निःशुल्क चल रही है। ठीक है बच्चों, इसके ये नहीं कि इसके कुछ पैसे मतलब जीरो नील बराबर मिल रहे, ये मान लो। ठीक है, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आप खुद इसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे बोलूंगा कोई जजमेंट मत करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, जजमेंट करने से आपको नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मिल रहा है करो। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि जो सीट मेरे पास है, रेजोनेंस की सीट है मेरे पास, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि सर आप सीट अपलोड कर दो और मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, तो सीट भी आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके लिए एक कंडीशन होगी कि पहले तो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये चीज आपको करनी होगी, इतना तो बनता है। ओके मेरे बालो बालों को लाला ला लियो। अब अपन करते हैं किताब के तीन पुंडे, तीन पुंडों को उड़ाते हैं, खत्म करते हैं। तो बच्चों ये आरबीसी की तीन पुंडे को अपन ले लेते हैं। तो देखो जो आरबीसी की तीन पुंडे जो है सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, कोई कोर्स कोर्स चेंज नहीं हुआ ना, आरबीएससी। वाओ कितनी अच्छी लग रही है, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का आज पोस्टमार्टम करते हैं। बच्चों देखो 3.1 का पहला क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मैं नहीं कराऊंगा, आपको कराना है। एक कोड आपको दे दिया, इस कोड में आपको दो इंटू चार दे दिया, बना लिया, कच्चा चित्र बनाना है, बना लो आराम से। ठीक है, दो बाई चार का दूसरा क्वेश्चन जो है जे आपको बनना है, मेरे लालो क्वेश्चन नंबर दो दे दो, क्वेश्चन नंबर दो दे रहा है बच्चों, चार बाई चार का इकाई अंक लिखना है, लिख दो, चार बाई चार का इकाई अंक जो भी आपको लिखना है लिखो, 1111111111। ठीक है बच्चो, इकाई अंक लिख दो। फिर तीसरा क्वेश्चन मेरे लालो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है समान आवयु का, कैसा है मेरे बच्चों? दो आवयु समान आवयु है, तो समान आवयु में क्रम भी समान होते हैं और उनके सुसंगत अवयव भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो सुसंगत अवयव समान होते हैं, यानी के प्लस चार की वैल्यू ए दे रखी है और के माइनस छह की वैल्यू माइनस चार दे रखी है। देखो बच्चो, माइनस एक तीन तीन, तो सुसंगत अवयव समान कर लिए, तो यहां से बच्चों अब आप क्या करना, के की वैल्यू यहां से निकालना। बच्चों ध्यान से समझना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में ये वाला। ठीक है, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे ना इस मई में या जून में जब भी लगेगा बारहवीं का, वो ध्यान से समझ लेना, पूरी साल आपने गड़बड़ी करी है इस क्वेश्चन में, जोड़ने में नहीं आता तुमसे। अरे के में यहां क्या नंबर डालू कि माइनस चार हो जाए,
दो डालूंगा बच्चों, क्या डालूंगा तो क्या दो रखो, दो मिर्च चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलना सीख लो ना इसको, ऐसे न ले जाने के लिए के वैल्यू दो आ गई तो दो रखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी छह। बच्चों समझ में आया नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर तीन के बाद क्वेश्चन नंबर चार। तो मेरे कुछ स्पेशल बच्चे हैं, वो देख लेना ध्यान से अच्छे से ना। छह अवयव वाला अवयव के समावित क्रम कितने प्रकार के छह अवयव भरेंगे? पंक्ति भर सकते हैं 1/6 से, 6/1 से स्तंभ में भर सकते हैं, 2/3 से भर सकते हैं, 3/2 से भर सकते हैं। ठीक है, छह अवयव ये तो आपको सिखा दिया। 1 × 6 से भर लो, 6 × 1 से भर लो, 2 × 3 से भर लो, 3 × 2 से भर लो। ठीक है बच्चों, जो भी भरने का। क्वेश्चन नंबर पांच के लिए ला लो, क्या लोगे? 2/2 क्रम का अवयव है ए आई जे, जिसके अवयव ये है, तो आई ये लो 1 1 1, a 1 1 1, a 1 2, a 2 1, a 2 2, ऐसे बना लो क्या? अरे ऐसे बना के कर सकते हो क्या? चलो मैं एक कर ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पांच का एक क्वेश्चन करा देता हूँ ना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर है इसका 2/2 का, इसको जब हम ओपन करेंगे कच्चा चित्र बनाएंगे तो ये इसका कच्चा चित्र बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा कच्चा चित्र। ठीक है बच्चों, अब अपन से बोला गया है क्या दूसरा वाला क्वेश्चन, पांचवे का दूसरा देखो। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस के टू जे का होल स्क्वायर बटे 2i। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो a11 निकाला है, a11 i के 1 j के 1 1 plus 2 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 9 बटे 2 ही लिखना। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद a12 निकालना है, तो i के 1 plus 2 to 4 4 plus a 5 का स्क्वायर 25 और i के 1 2 तो 25 बटे 2। ठीक है बच्चों, ऐसे आप करके फिल कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 क्रम का अवयव है जिसके अवयव ये, तो सिंपल वही है ये वाला सेम, बस इसमें क्या करना है आपको, सारी ले लेना है, माइनस आए तो प्लस करना है। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों कुछ भी फास्ट हो रहा हो, प्लेन के बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हम वास्तव में प्लेन के लायक है, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों ये बहुत ही संकट की विषय है बच्चों, जिन बच्चों को अब ये भी नहीं आ रहा, लेक्चर नंबर 4 का अच्छे से देखने के बाद भी यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों फिर ये चिंता की सब्जेक्ट है, मेरे लिए नहीं आपके लिए। आप सोचो उसके ऊपर गहनता से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं खुद लापरवाही तो नहीं कर रहा, और उस लापरवाही का इल्जाम कहीं मैं अपने ऊपर ना लेके दूसरों के ऊपर तो नहीं थोप रहा? क्योंकि जब आप अपने इल्जाम को दूसरे के ऊपर लगा दोगे तो आप अपने आप को फ्री फील करोगे। ठीक है, तो आप उसको अपने ऊपर लेके अब फिर वापस मेहनत करो। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओ वाह, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 समान आवयव है, तो जब समान आवयव है तो इनके सुसंगत अवयव क्या होंगे? समान होंगे, तो a प्लस बी बराबर है 6, ए बी बराबर है 8, तो मुझे किसका मान निकालना है? मुझे a और b के मान निकालना है। बच्चों देखो, जो बच्चों के पास ना जेई में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, यदि मान लो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर जब भी आप कुछ ऐसा मत लगा लेना जो पेपर लगाएंगे बोर्ड का, ऐसे है ना, यदि ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप ऑप्शन से ए बी की वैल्यू चेक करके रखो ना। देखो भाई, अपन को क्या है, दो ऐसे नंबर लाओ, दो को ऐसे नंबर लाओ जिनको जोड़ने पे तो क्या आ रहा है 6, और इनको गुणा करने पे क्या आ रहा है 8। सिंपल सी बात है, वो इसका आंसर होगा। अरे लालो समझ में आया नहीं आया? अरे क्वेश्चन में देखो, ए प्लस बी की वैल्यू 6, ए बी की वैल्यू 8, सुसंगत से बराबर कर लिया ना अपन ने। चलो अब इसका ए और बी के मान पूछा है, तो ऐसे बोलेंगे, दो ऐसे अवयव बताओ जिनको जोड़ने पे 6 आए और गुणा करने पे 8 आए। बच्चों देखो, जोड़ने पे 6 इसका मतलब ये नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है क्या? नहीं, 7 में 0 भी जोड़ेंगे ना लोएस्ट, तभी भी वो 6, 7 बनेगा, 6 नहीं बनेगा। तो इनमें से कोई दो नंबर ले लो, इन्हीं में से कोई दो नंबर होंगे, तो इन्हीं में से दो नंबर तो 0 और 6 तो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि गुणा करने पे 8 आना चाहिए, तो गुणा करने पे 8, 2, 4 ले लो, तो 2 इंटू
चार आठ हो गया, दो प्लस चार छह हो गया, आंसर शुड बी टू और फोर, आंसर शुड बी टू और फोर। चलो ये तो है डायरेक्ट करने का, अब इसको प्रोसीजर से कैसे करेंगे वो सुनो। ज्यादा तो नहीं होंगे ना मेरे, ज्यादा नहीं खत्म कहां हिंदुस्तान पाकिस्तान। ए प्लस बी बराबर छ, ए बी बराबर पांच, तो मेरे लालो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी। सुनो बच्चों मैं इस पर से लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं हाँ 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 माइनस फोर ए, ठीक है तो दो में से माइनस आया होगा माइनस ये बचेगा, लेकिन अब ये सूत्र बन गया क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। हेलो रखो बच्चों ए प्लस बी कितना है छ, छ का स्क्वायर माइनस चार, ए बी की वैल्यू कितनी है आठ, तो छह छह कितना हो गया छत्तीस, आठ सौ बत्तीस ये हो गया चार, चार इसके लिए हो गई ए माइनस बी ए होल स्क्वायर की, तो ए माइनस बी यहाँ से क्या आ गया दो प्लस माइनस के दो, तो एक बार आप प्लस ले लेना एक बार आप माइनस ले लेना, तो ए प्लस बी की वैल्यू छह थी, ए माइनस बी की वैल्यू प्लस के दो ले लो, दोनों को जोड़ दो तो टू ए जाएगा आठ, तो एक वैल्यू क्या है चार, एक वैल्यू चार बी ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों ने बात कर लिया कि ए की वैल्यू क्या होगी बी की वैल्यू क्या होगी, लेकिन अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू छ, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस दो, जोड़ो टू ए चार ए की वैल्यू दो ठीक है, अरे इसके दो आंसर आ रहे बच्चों, ए की वैल्यू दो भी हो सकती है, ए की वैल्यू चार भी हो सकती है, बी की वैल्यू चार भी हो सकती है, बी की वैल्यू दो भी हो सकती है, तो इस प्रकार आपको ये करना है ठीक है बच्चों। तो चीज समझ आएगी ये चीज है ना, फास्ट नहीं है ना बच्चों, बहुत सिंपल हाँ इजी ओके बच्चों, आपको लग रहा है स्लो चल रहे हैं तो टू एच स्पीड से फास्ट कर लो, हाँ आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है तो स्लो कर लो है ना बच्चों। चलो उसके बाद आठवां क्वेश्चन, आठवां भी क्या है बच्चों समान अवयव है, टू एच की वैल्यू चार, एक्स की वैल्यू दो आ जाएगी, एक्स की दो आ गई तो तीन एक्स प्लस वाई बराबर पांच है, एक्स की दो आ गई तो छह प्लस वाई बराबर पांच, तो वाई की लू एक माइनस एक आ गई है ना बच्चों, ऐसे ही आपको पी के लू निकालना, तो आर वेटिंग माइंड पॉइंट बच्चों, तो आठवां और नौवां इसी प्रकार आप करना आपके आंसर आ जाएंगे एक नंबर आ जाएगा ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं तीन पॉइंट दो की, तीन पॉइंट एक अब बात करेंगे तीन पॉइंट दो की, दो की दो देखो बच्चों आप इसी तीन पॉइंट दो में तीन पॉइंट दो का पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या है दो आवय जोड़ना है और घटाना है, आवय पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन आई थिंक आप करोगे सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे लेक्चर देखो दो आवय को जोड़ना और घटाना सिखाया है। दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चों आपको दो आवयव का जोड़ ए प्लस बी आपको दे रहा है कितना माइनस के साथ जीरो, दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन तो आप करना दूसरा क्वेश्चन में करा क्या मैं आपको बता ही देता हूँ ना कराऊंगा, और ए माइनस बी बराबर आपको दे रहा है कितना तीन माइनस दो जीरो तीन। अब बच्चों आपको क्या पूछा है ए तथा बी, मतलब आपको ए और बी पूछा है बस आपसे ना, और ऐसे जोड़ दे रहा है, तो बच्चों आप सिंपल क्या करोगे इसको जोड़ो, जोड़ोगे तो ये कितना रहेगा टू ए बी बी कट कैंसिल आउट, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना रहेगा सात में से तीन जोड़ो तो कितना रहेगा माइनस चार, जीरो में माइनस दो जोड़ो तो माइनस दो, दो में जीरो जोड़ो तो दो, सुसंगत में जोड़ने से कहें ना माइनस पांच में तीन में दो, सुसंगत अवयव को जोड़ना सिखाया है ना मेरे बच्चों आपको हाँ उसमें कर दे ए बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों माइनस दो माइनस एक एक माइनस एक बच्चों आया ओके, तो ऐसे बी कर लेना बी में क्या करना है बताना है इनको अपने जोड़ के ना ऐसे घटा देना, अरे आवयव को जोड़ सकते हैं ना आवयव को घटा सकते हैं ना आवयव को बड़ा कर सकते हैं ना, तो बस तो वही करना है अपन को ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर तीन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीन में आपको आवयव ए दे दिया
आव्यूह बी दे दिया, तो आव्यूह सी क्या करो, और ए प्लस के टू बी प्लस के सी बराबर क्या दे दिया, शून्य आव्यूह। तो बच्चों देखो आव्यूह ए देखो पहले आप, आव्यूह ए की वैल्यू कितनी है, 1 3 2 1 और भी है ना, 3 माइनस 1 ये आव्यूह, प्लस 2 आव्यूह बी क्या है, 2 1 1 2 माइनस 1 0 प्लस आव्यूह सी को निकाल रहे हैं बराबर क्या है, 0 आव्यूह। ठीक है बच्चों अब अपन क्या करेंगे, जोड़ दो इसको, जोड़ो तो बोलो क्या हो गया आपके पास। हाँ तो इसको जोड़ो, पहले गुणा करो, ये देखो तो मैंने आपको बताया तीसरे वाले में अदिश गुणनफल का है ना, तो अपन किसी आव्यूह का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, तो पहले तो ये देखो, तो बच्चों मैं सीधा जोड़ दूंगा इसको, चलो मैं कर ही लेता हूं, ये हो गया प्लस 2 का गुणा 4 2 2 4 माइनस 2 0 प्लस 6 0 बराबर 0 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, किताब पकड़ पकड़ के थक गए, कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया। चलो बच्चों मतलब देखो आज के लिए अपन है ना इस पे खत्म करते हैं, क्योंकि अब कॉल भी आ रहा है इस फोन में, तो इसलिए बच्चों ना, तो देखो फिर जोड़ेंगे तो समान मान जुड़ जाते हैं, तो 4 में 5 4 और 1 5 3 और 2 5 समान अगर जुड़ते ना, 2 और 2 4 2 4 और 1 5 3 में से 2 है तो 2 माइनस 1 0 है तो मतलब 3 में से -2 को जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी 3 में से -2 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, -1 में 0 जोड़ेंगे -1 बचेगा, 4 5 2 2 4 5 5 आ गया प्लस के सी आ गया बराबर 0 आ गया। आप सुनो बच्चे सी मुझे क्या लाना है, सी मुझे ऐसा लिखना है, देखो बच्चे ये तो समझ आ गया, ये इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का, 3 तो पंक्ति है 2 स्तंभ, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 3/2 का, क्यों, क्योंकि ये आव्यूह और ये आव्यूह कैसे आव्यूह है, जुड़ रहे, तो जुड़ेंगे तभी तब क्या हो, ये कैसे आव्यूह हो, समाकर्म के, तो दो आव्यूह का जुड़ना घटना कब संभव होता है, जब उनके ऑर्डर समान, तो चलो ऑर्डर समान कर लेते हैं, यहां क्या रखू मैं 0 है तो 5 है -5 डालो, 5 में से -5 जोड़ो 0, यहां 5 है -5 डालो, 4 है -4 जोड़ो, 5 है -5 जोड़ो, 1 है -1 जोड़ो, -1 है 1 जोड़ो 0 आ गया, देखो -5 में 5 जोड़ो 0, 5 5 0 भाई शून्य आ गया, क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, क्या आना चाहिए आपके पास इसका रिजल्ट, 0 0 0 0 0 0 0 0 यही तो आना चाहिए, तो इसके लिए देख लो उनको जोड़ लो, 5 में 5 में 0 आ गया, 5 में 5 में 0 आ गया, बाकी के लिए कल मिलेंगे, ओके हैव अ गुड डे बाय, ठीक है।